हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतनाज किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है सबको। और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो, लगभग 3 से 4 दिन तक आराम से खा सकते हो। और एक बात और, जो अगर आपको भूख है भी नहीं तो इसको देख के आपको ज़रूर भूख लग जाएगी और खाना खाने का, रोटी खाने का मन करेगा। और 2 की जगह आप 4 रोटी खा लोगे। तो चलिए, आज हम बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी हरी मिर्ची फ्राई बनाते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ डालेंगे और हमारी हरी मिर्ची इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि आप इसके सामने कोई भी, अगर आपकी फेवरेट सब्ज़ी है वो भी छोड़ दोगे और इसको खाना पसंद करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ली है, बिल्कुल फ्रेश हरी मिर्ची। जब भी हम कोई हरी मिर्ची फ्राई करें तो अगर फ्रेश लेते हैं तो बहुत टेस्टी भी बनती है और दिखने में भी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश हरी मिर्ची ली है, और ना ही तो ज़्यादा छोटी है, ना ही बड़ी और ना ही मोटी ज़्यादा, ना पतली, बिल्कुल मीडियम साइज़ की हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1/2 किलो हरी मिर्ची ली है। मैं इनको एक साथ में ही फ्राई करके रख दूँगी ताकि 3 से 4 दिन तक आराम से खा सके इनको। तो अब हमने कट लगा लिया है एक साइड से, और इनके अंदर जो बीज हैं आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, और बट मैं यहाँ पे बीज नहीं निकालूँगी क्योंकि बीज में थोड़ा तीखापन होता है। वैसे ये हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है, बीज की वजह से थोड़ी सी तीखी है। तो बीज इसी के अंदर रखेंगे और एक एक कट करके सभी हरी मिर्ची को तैयार कर लेंगे। बिल्कुल बिना किसी झंझट के ये हरी मिर्ची फ्राई आपकी तैयार हो जाएगी, इसमें कोई भी झंझट नहीं होगा आपको, ना ही तो इसको भरने की आवश्यकता है। बस ऐसे ही हमारी हरी मिर्ची इतनी टेस्टी होगी फ्राई कि आपने शायद नहीं खाई होगी अभी तक, और आप एक बार बना लोगे तो हर बार इसी तरीके से बनाना चाहोगे। हमने यहाँ पे सभी हरी मिर्ची को रेडी कर लिया है, तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। इधर हम कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर डालेंगे सरसों का तेल, जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ में लेते हो। तो ऑयल के अच्छे से गर्म होने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर कलौंजी, कलौंजी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर मेथी दाना। आप चाहो तो सौंफ भी डाल सकते हो या फिर सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हो। हम यहाँ पे मैं यहाँ पे इसके अंदर सौंफ का पाउडर डालूँगी, इसीलिए यहाँ पे सौंफ नहीं डाल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे सौंफ डाल सकते हो। और ये मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब हींग ली है, हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो हमारे सभी मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। अब हमें डाल देनी है अपनी हरी मिर्ची जो हमने कट करके रख रखी है, वो डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गैस का फ्लेम यहाँ पे कम ही रखेंगे, लो रखेंगे, और लो फ्लेम पे हम हरी मिर्ची डाल देंगे और कर लेंगे अच्छे से फ्राई इनको। गैस का फ्लेम कम करके फ्राई करना है। कट लगाने से क्या है, जो हरी मिर्ची है वो चटकती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसका ध्यान रखना होता है। और हरी मिर्ची को इसी तरीके से फ्राई करेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे हरी मिर्ची का थोड़ा सा हमें ऐसा लगना चाहिए कि हरी मिर्ची सॉफ्ट हो चुकी है, और तभी हमें इसके अंदर डालने हैं मसाले। तो हमें इसको थोड़ा सा पकने देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 से 2.5 मिनट हो चुकी है, हरी मिर्ची हमारी अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है, थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज हो चुका है, और ये थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट सी हो चुकी है। तो बस अब हमें क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे अपने सभी मसाले जो भी हमें यहाँ पर इसके अंदर ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 चम्मच डालूँगी लाल मिर्ची पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हो तो आप लाल मिर्ची को स्किप भी कर सकते हो, बट ये जो हरी मिर्ची है ना, ये ज़्यादा तीखी नहीं है, इसीलिए मैंने इसके अंदर लाल मिर्ची डाल दी है। 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर, और यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर सौंफ का पाउडर जो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब इसके अंदर सौंफ का पाउडर डाल दिया है, और ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा हमारी हरी मिर्ची को। तो जब भी हम हरी मिर्ची बनाएं उसमें सौंफ ज़रूर डालनी है। और ये डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब नमक, नमक वैसे हम अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, जितना खाना आप पसंद करते हो। ये हमने डाला है 1 चम्मच के करीब ही लहसुन का पेस्ट, और कर लेंगे सभी मसालों को अच्छे से मिक्स। गैस का फ्लेम कम ही रखेंगे, हमें इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि हमें यहाँ पे हरी मिर्ची को फ्राई करके रखना है। फ्राई करके कोई भी चीज़ रखते हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया, सभी मसालों को, और हरी मिर्ची भी हमारी अच्छे से कोट हो चुकी है मसालों से।
इसे हम अगर एक बार रख लें तो हमें 3 से 4 दिन तक आराम से खा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे डाल दिया है इसके अंदर 4 छोटे चम्मच दही, और दही को करेंगे अच्छे से मिक्स। दही इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, दही से ही हमारे टेस्ट में 4 चांद लग जाते हैं, बहुत मस्त फ्लेवर आता है दही से। तो दही को डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर देंगे, दही से थोड़ा खट्टापन आ जाता है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसके अंदर अमचूर पाउडर है तो वो ज़रूर डालिएगा, अमचूर पाउडर भी बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। थोड़ा खट्टा बनाने से हरी मिर्ची बहुत मस्त लगती है। तो बस हमने दही को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है ढक्कन, पकने देना है इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक, गैस का फ्लेम मीडियम करके। 2 से 3 मिनट होने के बाद में ढक्कन ओपन करते हैं, और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी टेस्टी हमारी हरी मिर्ची है वो बन के तैयार हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त हमारी हरी मिर्ची बनी है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। गैस का फ्लेम कम करने, थोड़ा सा मसाला ज़रूर अगर चिपक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हरी मिर्ची फ्राई हमारी बहुत टेस्टी बनी है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। और चलिए इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, हमारी बहुत ही टेस्टी सी मज़ेदार सी हरी मिर्ची फ्राई बन के तैयार हो चुकी हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, बनाने में बहुत ही आसान है। और तो बस हमारी हरी मिर्ची फ्राई तैयार हो चुकी है। ये फ्रेंड्स इसका कलर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है उसको खाने का मन करता है। तो बस हमारी हरी मिर्ची तैयार है, बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है, और आपको भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, बहुत टेस्टी बनेगी आपकी भी रेसिपी, आपकी भी हरी मिर्ची फ्राई बहुत टेस्टी बनेगी। आप इसको 3 से 4 दिन तक फ्रिज के अंदर रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। जब भी खाना खाएं तो हम इसके साथ खा सकते हैं, इससे हमारी जो भूख है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी मस्त बनती है हमारी हरी मिर्ची फ्राई। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और कैसी बनती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसी बनी ये रेसिपी, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। ये मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत टेस्टी भी बन जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और आपकी फैमिली को भी। तो बस हमारी बहुत ही झटपट तरीके से हरी मिर्ची की ये रेसिपी है, हरी मिर्ची फ्राई बन के तैयार हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक और ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।